प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट में चैप्टर टू में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। इसका हम न्यूमेरेटर 1 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको होते हैं हिंदी में कैसिका होना। इसका करेंगे इधर क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 इंटू 18 एक्स इक्वल टू, ये एक्स और टू दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 18 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27, एक्स इक्वल टू हमारा आ गया 27। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। जहां भी न्यूमरेटर नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिधर हमें x का, y का, a का, p का, जिसका भी मान निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो पहले यहां था हमारा लास्ट क्वेश्चन में x था तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लिखा था, और यहाँ y हमारा तो पहले इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई और लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब y हो गया सीधा सीधा इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 करेंगे मल्टीप्लाई 15, 6, 99 50 बन जाए 15 प्लस 9 24। 1 से राइट हैंड की तरफ 1 डिजिट और 1 डिजिट यहाँ 2 डिजिट हो गया दोनों, तो 1 2 राइट हैंड की तरफ से 2 डिजिट छोड़ देंगे और पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा बाय का मान, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। मैंने पहले कहा था इनमें जिसका भी मान निकालना होता है x का, y का, a का, b का, z का, उसके साथ में कोई संख्या प्लस या माइनस में है तो पहले उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये संख्या हमारी माइनस में है तो इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 16। ये माइनस का है, संख्या ट्रांसफर होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो माइनस का रिप्लस हो जाएगा 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 25 हो गया, और x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में 25 अपॉन 7, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन नंबर 10 14y - 8 इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा, ये माइनस में है इसको ट्रांसफर करेंगे 14y इक्वल टू 13 प्लस का 8 तो 14y इक्वल टू दोनों को प्लस कर देंगे 21 y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा 21 अपॉन 14 एक संख्या से काटेंगे इसको 7 2 14 7 3 21 तो क्या हो गया 2/3 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 17 + 6p = 9 6p = 9 इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस का 17 6p = -17 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8 p
इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 6, 2 3 या 6, 2 4 या 8, माइनस के 4 अपॉन 3, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7 अपॉन 15, ये प्लस का है, राइट में जाएगा ट्रांसफर हो गया, माइनस का हो जाएगा, इसका हम न्यूमरेटर 1 मान लेंगे, हर एक मान लेंगे, एलसीएम दोनों का 15 आएगा, तो 7 माइनस यहाँ जाएगा 15 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15, ये हो गया हमारा एक्स अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15। अब करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू माइनस का 8 इंटू 3, यहां से x हो जाएगा हमारा माइनस के 8 अप इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 बन गया 3, 3 फाइव का 15 माइनस का 8 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं इन क्वेश्चनों के आंसर चेक करूंगा, मान के चलो हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम आंसर क्या है इसका, हमें आंसर चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक कर रहा हूं मैं, हमारा एक्स का वैल्यू आया 25/7, तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं लिखूंगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, जिधर एक्स होता है वाई होता है, कहने का मतलब उस साइड को लिखते हैं हम जिधर हमें मान निकालना होता है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाई साइड को पहले लिखेंगे, चाहे वो राइट में है या लेफ्ट में है, राइट में तो राइट साइड लिखेंगे, लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 9 इक्वल टू 7, 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स, तो यहाँ 7 इंटू एक्स की वैल्यू आएगा 25/7, यहाँ लगा दिया 25/7 माइनस 9, 7 कट गया, क्या हो गया 25-9 इक्वल टू 16, अब हमारा ये राइट साइड में 16 आ रहा है, यहां भी 16 हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, इसीलिए हमारा आंसर सही है, क्लियर हो गया। अब चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हमें बाई का मान निकालना है, बाई हमारी लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड लिख लेंगे 14/-8 इक्वल टू 14 इंटू, बाई का वैल्यू आया हमारा 3/2 माइनस 8, 2 बन गया 2/7 14, 7/3 21 माइनस 8, और 21 से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 13, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये चीज हमारा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चेक, सकते हैं यहाँ चेक का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 इसकी लिख लेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7 3+6 इंटू बी का वैल्यू है हमारा यहाँ -4/3, तो इसको लिखेंगे -4/3, 3 बन जाएगा 3 2 6 क्या जाएगा 17 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 8 17-8 क्या आएगा 9, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, ध्यान आ रही है, इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चाहिए, क्या है लेफ्ट साइड, एक्स अपॉन 3+1, एक्स का मान आया कितना, एक्स का वैल्यू आया हमारा -8/5, -8/5 इंटू ये 3 नीचे है, 3 नीचे लिख दिया +1, क्या हो जाएगा 8-8/5 3 15 +1, इसका हर एक मान लिया, एलसीएम 15 आएगा, -8 + 15 15 -8 करेंगे तो क्या आएगा 7/15, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी 7/15, ये भी 7/15 आ गया, इसका मतलब हमारा ये सारे आंसर ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।